यहां भी बिग बॉस खेल रही हैं। जी हां, आखिर किसने खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को लेकर रुबीना दिलैक पर यह बड़ा इल्जाम लगाया है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा होज। आपको बताना चाहूंगी कि बिग बॉस सीजन 14 की विनर रुबीना दिलैक बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से उन्होंने इस सीजन को खेला, लोगों का दिल जीता और ट्रॉफी भी जीती। आपको बताना चाहूंगी कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में वो हमें नजर आ रही हैं और ऐसी कुछ कुछ चीजें हो रही हैं जिससे बार बार ये बोला जा रहा है रुबीना दिलैक को लेकर कि वो बिग बॉस की तरह खेल रही है, बिग बॉस समझ रही है। क्योंकि जब आपको याद ही होगा कनिका मान और रुबीना दिलैक के बीच में बहस हुई थी जहां पर उन्होंने बोला था कि चीटिंग है ये सारी चीजें, तब भी लोगों ने यही कहा था। और अब एक प्रोमो बाहर आया है जिसमें हम देख सकते हैं कि मोहित मलिक और रुबीना दिलैक इन दोनों के बीच में बहस चल रही है। पहले तो एक टास्क होता है जैसे स्टंट करते वक्त रुबीना पर बैनर गिर जाता है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर अब प्रोमो में वो नजर आ रही हैं तो उन्हें मतलब मोहित दो टीम ने डिवाइड किया गया है, एक मोहित मलिक का टीम और एक तुषार कालिया का। तो मोहित से पूछते रोहित शेट्टी कि आप अपनी टीम में से किन दो लोगों को भेजना चाहेंगे, तो रुबीना भी खेल सकती है। तो रुबीना बोलती हाँ आई कैन एंड आई वुड आई वॉन्ट इट। तो फिर उसके बाद मोहित कहते हैं कि ठीक है मैं जन्नत और रुबीना को भेजना चाहूंगा। फिर उसके बाद जाते जाते वो कहती कि मुझे क्रीपी कॉल क्रॉलीज से बहुत डर लगता है ये। तो फिर तुषार मोहित जो है वो थोड़े भड़क जाते, मतलब कि ये क्या, जाते जाते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो अपने कैप्टन से क्रीपी क्रॉलीज से तुम्हें डर लगता है। और फिर वो जाके रुबीना को कहते हैं कि सिर्फ दिखने के लिए यू कान डू ऑल दिस, यू कान से ऑल दिस। तो रुबीना भी भड़क जाती है, कहती कि मैं दिखूंगी तो अपने दम पे दिखूंगी, ये चीज़ करके नहीं। और वो ये भी कहती हैं कि मुझे अभी टीम का हिस्सा नहीं रहना, आई एम नॉट डूइंग इट ये वो। तो बहुत दोनों के बीच में क्लैश होता है। अब वो क्लैश किस वे में हमें, क्योंकि प्रोमो मिसलीडिंग होता है आप सभी को पता है, तो अब एपिसोड में ये पूरा जो क्लैश है वो कैसे दिखाया जाएगा, क्या सच में क्लैश है या फिर क्या है, सॉर्ट आउट हो जाता है कि नहीं, अब तो ये भाई आने वाला एपिसोड ही बताने वाला। लेकिन आपको क्या लगता है जितना भी आपने प्रोमो देखा उसमें से आपको कौन सही कौन गलत लग रहा है? क्योंकि भाई जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो यूजर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बिग बॉस के जैसा खेल रही है, बिग बॉस बना रही हैं, ये सारे इल्जाम रुबीना दिलैक पे लग रहे हैं। क्या आप इन इल्जामों पर एग्री करते हैं और क्या आपको लगता है रुबीना या मोहित कौन सही कौन गलत, बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।